आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय, नंबर वन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, नंबर टू रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, नंबर थ्री रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद अनदर मेटल, नंबर फोर रोस्टिंग फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन। अब जो जिंक ब्लेंड है उसका फॉर्मूला होता है ZnS, ठीक है। अब पहले क्या होता है इसमें जिंक ब्लेंड से, जिंक का एक्सट्रैक्शन में, कि सल्फर को निकाल दिया जाता है Zn से, ठीक है। ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है रिएक्शन विथ O2 से, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है क्योंकि एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ZnO मतलब ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर मोर इजियर देन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। तो ये वाला रिएक्शन होता है हमारा ZnS प्लस O2 gives ZnO प्लस SO2। इसे क्या हो गया? हमारा सल्फर निकल गया, ठीक है। अब जब सल्फर निकल गया तो ZnO मिल गया हम लोगों को। अब इससे कैसे एक्सट्रैक्शन होता है? इसको कोक से हीट किया जाता है, वो भी बहुत हाई टेम्परेचर में, अराउंड 1673 केल्विन, ठीक है। तो वो फॉर्मूला उसका रिएक्शन का क्या होता है? हमारा ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि C के साथ रिएक्शन करता है। तो ये जो हमारा पिछला था इक्वेशन, ये इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है, इसको कहते हैं रोस्टिंग। और ये हमारा कार्बन के साथ रिएक्शन किया ZnO, रिडक्शन हुआ इसका ZnO का, ठीक है, इनटू Zn। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन टू, जो कि है रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन। आंसर इज ऑप्शन टू। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।